What's up guys, welcome back to another reaction video. आज हम देखेंगे India's mysterious wonders. तो काफी mysterious भरपूर वीडियो होने वाली है. देखते कौन सी जगहों का जिक्र होगा. तो राज बाय बिग ब्रेन को चैनल से है और इनके चैनल पे वीडियोस बहुत अमेजिंग होती है. नरेशन स्टाइल भी गजब होता है. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हो और वीडियोस. और साथ ही साथ और वीडियो भी सजेस्ट करना ना भूले. वीडियो कर दे लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब. 1 2 3 गो. हाय, कैलाश पर्वत का नाम सुना है? सुना ही होगा. कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही बहुत मिस्टीरियस, मगर सिर्फ वो मिस्टीरियस नहीं है, उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ वो भी कमाल की जगह. द मिस्ट्री ऑफ इट्स प्लेसमेंट इज आल्सो अमेजिंग. कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं. और कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर और साउथ पोल से 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर. आप समझ रहे हैं, इत्तेफाक नहीं है. दिस इज जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस, एटलीस्ट आई बिलीव दैट. हाय, माय नेम इज अक्षत गुप्ता. आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड एंड अ पार्ट टाइम ऑथर. आई हैव रिटन दिस बुक कॉल्ड द हिडन हिंदू. इट इज अ फिक्शन ट्रिलॉजी. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9 मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया. 9 मिस्टीरियस प्लेसेस. अभी मैंने आपको 9 में से एक तो बता दिया है, कैलाश पर्वत. बट वी विल गो अ लिटिल मोर डीपर इनटू व्हाट कैलाश पर्वत. बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊं, जैसे कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजिशन आ जाता है आपके नेल्स का. और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है. Go or reach कैलाश पर्वत, we start aging faster. Science के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं. शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश के मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाता. सेकेंड, मानसरोवर लेक का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा. मानसरोवर लगभग सबने सुना है, कैलाश पर्वत के फुटहिल पे है, शांत पानी. इट इज अ लेक एज एवरी अदर लेक इज, मगर इट इज ऑन द हाईएस्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ. मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक जिसके बारे में कम लोगों को पता है, उसका नाम है राक्षस ताल. जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, समंदर के पानी जैसा. आप उसको पी नहीं सकते, उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्ती कुछ नहीं होती है. और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं. साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक ही ऑल्टीट्यूड में दो अलग अलग लेक्स जिसका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, क्यों और कैसे नहीं पता. थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, उत्तराखंड. बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगह है. नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है जिसको कहते हैं रूपकुंड. रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स. एंड विच इज वाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन्स. कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते हैं. मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई, कितने साल पहले के वो बोन्स हैं, हमको पक्का अब तक नहीं पता. इंडिया में उत्तराखंड और ये माउंटेन से निकल के हम चलते हैं राजस्थान. राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा. ये कुलधारा है, अब ये राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है. और अभी भी सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद वहां पे लोगों का जाना घूमना अलाउड नहीं है. आपको पता है कुलधारा विलेज का दूसरा नाम क्या है? द विलेज ऑफ घोस्ट्स. दोपहर में 2 बजे जाइए, सुबह 11 बजे जाइए, वहां अभी भी उस वक्त भी जाके घबराहट होती है, डर लगता है. एक पूरा बसा बसाया गाँव, उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा, सब एक रात में गायब हो गए. और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहाँ चला गया. तो वहां से खाली घर है. चलिए रात भर, रातों रात पूरा गांव वहां से उठ के चला गया होगा. तो राजस्थान जैसी जगह पे जब इतने सारे लोग वहां से निकले होंगे, पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें लेके गए होंगे, तैयारी से गए होंगे, कोई तैयारी से नहीं गया. लोगों ने खाना चढ़ाया था बनाने के लिए, जो सुबह जला हुआ मिला, जलता पकता खाना छोड़ के एक पूरा गाँव गायब. कैसे? खाली. राजस्थान के पास एक खूबसूरत सा और स्टेट है, गुजरात. हम बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं ना, कृष्ण की द्वारका नगरी, और ज्यादातर लोग उसको माइथोलॉजी बोल के डिस्कार्ड कर देते. सबमर्ज द्वारका सच में मिला है, अभी भी शोध चल रहा है. लेकिन आप सोचिए कि एक पूरा शहर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई या गोवा जैसा एक पूरा शहर
पानी के कई कई फीट अंदर चला गया। ये सच है। कृष्ण की नगरी द्वारका थी और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा होने वाला है, तो वहाँ की सारी महिलाओं को, सारे बच्चों को बचाओ, वहाँ से ले जाओ अपने साथ। उनको सबको अर्जुन ले गए थे और पूरी द्वारका नगरी डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में है और पता नहीं कितनी मिस्ट्रीज उस पानी में, उस द्वारका नगरी के अंदर दबी हुई। वी स्टिल नीड टू फाइंड एंड डिस्कवर दोस। कोने से अब चलते हैं इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश। एमपी में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा कस्बा है, बहुत मान्यता है उस जगह की, क्योंकि अमरकंटक से एक नदी का सृजन होता है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ रिवर कॉल्ड नर्मदा। हमारे कंट्री में ज्यादातर जो नदी है वो ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं, नॉर्थ टू साउथ। मगर नर्मदा को पाताल नदी पे कहते हैं क्योंकि ये सेंटर से इंडिया के बीच से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है, नॉर्थ की तरफ। थोड़ा और नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश से नीचे एक और बहुत कमाल का स्टेट है महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई। मगर उसमें एक और शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के पास एक टेम्पल है जिसका नाम है एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन नीचे से बनता है, पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। लोगों का ये भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से बनाया है। इन दो चीजों से कई साल में इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें डोर्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए, स्टैचूज बने हुए। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको आंसर नहीं कर पा। इस मंदिर को बनते जो रॉक्स निकले होंगे ना, वो इट वुड बी समवेयर अराउंड 400,000 टन, 400,000 टन पत्थर उसमें से तोड़ के निकाले गए होंगे इस मंदिर को शेप देने। पर इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में ये 400,000 टन पत्थर, जो इस पत्थर का अवशेष है, नहीं मिला। कहां गया नहीं पता। ये आज भी आर्किटेक्चर समझ नहीं पा रहे हैं आर्किटेक्ट्स की, इस मंदिर को कैसे बनाया गया। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक कमाल का मंदिर आता है डाउन साउथ, उसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे खंबे हैं, जिसमें से एक खास पिलर, वो पिलर जमीन टच नहीं करता, इट इज द हैंगिंग पिलर इनसाइड द टेम्पल। इस मंदिर में पूजा करने का और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका यह है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है और अपनी इच्छा मानी जाती है। ये तो नॉर्मल है। एबनॉर्मल ये है कि कई बार इस चीज को अलग अलग एराज में समझने की कोशिश की गई कि ये तो लटका हुआ पिलर, तो एक काम करते हैं इसको हटा दे। ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पिलर को हटाने जाते हैं तो इसके रूफ में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। माने ये कि अगर इस हैंगिंग पिलर को तो इस मंदिर से हटाया गया तो ये मंदिर कोलैप्स हो सकता है। तो हैंगिंग पिलर का क्या सीन है, ये कैसे हुआ, जब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको हटाने से मंदिर क्यों कोलैप्स हो सकता है। आर्किटेक्ट्स के पास, मॉडर्न इंजीनियरिंग के पास इसका जवाब कोई जवाब तक नहीं। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कई डोर्स हैं जो खोले जा चुके हैं, हर डोर के अंदर से बहुत सारा ज्वेलरी मिला है, अलग अलग समय का कॉइन्स मिले, एंशियंट कॉइन्स, बहुत कुछ मिला है। मगर इनमें एक डोर है जिसको अब कोर्ट के लैंग्वेज में नाम दिया गया वॉल्ट बी का, जिसको कल्लारा डोर भी बोलते हैं। बहुत मिस्टीरियस डोर है, दो स्लाइड्स हैं डोर के, दोनों में बहुत बड़े से दो सांप बने हुए हैं फेसिंग ईच अदर, इसके ऊपर यक्षिणी का चेहरा है। इस दरवाजे की खासियत यह है कि इसमें कोई ताला नहीं, इसकी कोई चाबी नहीं, कोई की होल नहीं है जिसमें डाल के हम उसको खोल सके। फॉर सम रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने पे मनाही लगा रखी सालों से। कई लोग मानते हैं कि उसमें पूरी दुनिया की अथाह दौलत है, अगर वो खुल जाएगा तो हमसे ज्यादा रिच कोई नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। मगर कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो दरवाजा खुलेगा तो बहुत सारी आपदा और विपदा, बहुत सारे कैलामिटीज आएंगे इस कंट्री पे, और खास करके उस स्टेट में। जब जब उसको तोड़ने की कोशिश या पुश करने की कोशिश की गई, ऐसे हादसे उस जगह के आसपास हिस्टोरिकल एविडेंस और राइटिंग्स में मिलते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जब उस दरवाजे में हम कान लगाते हैं, पीछे से समंदर के लहरों की आवाज आती है। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं कि वो दरवाजा कैसे खुलेगा, और हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। मगर ये बहुत अजीब बात नहीं है कि एक दरवाजे के पीछे से किसी को समंदर के लहरों की आवाज आ रही है। इंडिया बहुत सारे लोग इन मिस्टीरियस प्लेसेस की मिस्ट्रीज का आंसर्स ढूंढ रहे हैं। मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो इस बारे में और पता है मुझसे शेयर कीजिए। माय नेम इज अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड एंड अ पार्ट टाइम ऑथर। ट्राई एंड रीड द हिडन हिंदू। थैंक यू। इनका इंट्रो पहली बात बहुत अच्छा था कि आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। भैया देखो, कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, एक हाउसवाइफ भी एक वही फुल टाइम ड्यूटी ही होती है, वो चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9 मिस्टीरियस जो वंडर्स बताए, तो मुझे सबसे मतलब कि वो रहस्य में ही वो लगा था जो इन्होंने राजस्थान का बताया था कि वो नाइट गायब हो गया वहाँ पे रात को,
वो घोस्ट ऑफ वो, लेकिन वो भानगढ़ में तो राजा ने जुल्म करे थे ऐसा कुछ था, वहां पे भी जो वो था ना कुछ श्रापित ऐसे कुछ था, वो ओवरनाइट पूरा गायब हो गया। भानगढ़ की कहानी शायद से ऐसे, वो लेके आएंगे उस पे वीडियो, लेकिन उसमें शायद से ऐसा था कि किसी औरत की आत्मा थी वहां पर, उसने श्राप दिया था पूरे उसको, जब उसने कोई वागोड़ी बाबा था उसने कुछ गलत नजर मतलब इस तरह से, मेरे साथ नहीं, भानगढ़ अलग है, कुलधर अलग, स्टोरी उसकी भी यही है कि वो जो वहां पे पूरा बना, या तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस था जो बताया ना, जो दरवाजे है उस पर सांप बने हुए हैं और सरकार ने भी मना कर दिया खोलने से, तो कुछ तो होगा भाई। और बिल्कुल वो ऐसे जो पुराने उसमें ऐसे सांप फेसिंग बने जैसे मूवी में दिखा था कि इसको खोलना नहीं है, कोई की होल नहीं है, कुछ नहीं है। नो डाउट वीडियो सिर्फ 8 मिनट की थी लेकिन बहुत सस्पेंसफुल थी और ऐसा लग रहा था कि मूवी टाइप देख रहे हो आप। वो देखना वो पिलर जो हवा में है और उसको हटा रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर क्रैक्स पड़ रहे हैं भाई सब गया। एक वो नदी बताई ना ऊपर की तरफ बहती है, और ये तो बताया जाता है जो कृष्ण जी की जो वो थी द्वारका, वो तो सुना है कि वो पानी में पूरी नगरी जो है वो डूब गई थी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी एंड सीरियसली जो नरेशन का जो स्टाइल था, बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक चीज अमेजिंग, प्लस ऐसा बांधा था वीडियो ने कि यार सच में कि थोड़ा सा ना वो अब क्या पता लगेगा, अब क्या पता लगेगा उस तरीके से। कुलधारा विजिट करेगी तू? कौन सा वाला? कुलधारा विलेज। हाँ मैं क्यों करूंगी, इसको लेके जाऊंगा भैया, इसको वहीं छोड़ के आएंगे भैया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहते हैं, फिर कोई मिस्टीरियस प्लेस जिसके ऊपर हमें वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए आप बता सकते हैं। बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हैं राज बिग ब्रेन को चैनल पे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।